बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। ऐसे में राज्य में बहुमत को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। यहाँ 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू बीजेपी बहुमत के आंकड़े को अपने पक्ष में करने को लेकर जोर आजमाई शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार सरकार को समर्थन दे रहे हम के प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी को सरकार में 2 मंत्री दिए जाने का वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। अभी सिर्फ मांझी के बेटे संतोष सुमन को ही मंत्री बनाया गया है। मांझी की मांगों को चिराग पासवान ने समर्थन देकर मुद्दे को अब हवा दे दी है। मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं, ऐसे में उनकी डिमांड इस समय बढ़ गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मांझी के पलटी मारने से पलट जाएगा नीतीश का गेम? मांझी को आरजेडी कांग्रेस के साथ आने से क्या तेजस्वी बन सकते हैं सीएम? कांग्रेस के विधायकों को क्यों भेजा गया है हैदराबाद? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब और बिहार विधानसभा के संख्या बल के बारे में। क्या कहता है बिहार विधानसभा का गणित? दरअसल नीतीश कुमार के इस नई सरकार का 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में बिहार के विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा 122 का है। सत्ता पक्ष के पास 128 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से 5 ज्यादा विधायक समर्थन में है। बीजेपी के पास 78, हम के पास 4, जदयू के पास 45 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कुल 114 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से 8 विधायक कम है। राजद के पास 79, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 विधायक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी एक विधायक है जो ना तो NDA में शामिल है और ना ही महागठबंधन में। कैसे खेल कर सकती है RJD और कांग्रेस? ऐसे में विपक्ष के पास कुल विधायकों की संख्या 115 हो जाती है और चर्चा के अनुसार जीतनराम मांझी नाराज होकर RJD से गठबंधन कर लेते हैं तो कुल विधायकों की संख्या 119 हो जाएगी। अभी RJD के पास 3 विधायकों की कमी है। ऐसे में चर्चा है कि JDU के कुछ विधायक RJD के खेमे के संपर्क में है, हो सकता है वो इस्तीफा दे दें। यदि JDU के 6 विधायक भी इस्तीफा दे देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 122 से घटकर 118 या 119 हो जाएगा। ऐसे में RJD कांग्रेस आसानी से सरकार बना सकती है। फिलहाल विधानसभा में स्पीकर अब भी RJD का है और खेल होने का विकल्प अब भी खुले हुए हैं। RJD के पास क्या है दूसरा विकल्प? महागठबंधन सरकार के लिहाज से दूसरी स्थिति यह है कि नीतीश या NDA के खेमे से 16 विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 227 रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 114 विधायकों का रह जाएगा और इस स्थिति में भी महागठबंधन सरकार बना सकती है। लेकिन ये अगर मगर का फेर है, जबकि दूसरी तरफ से विधायकों को टिकट और मंत्री पद लालच दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि लालू तोड़फोड़ की राजनीति के लिए इन दिनों एक्टिव हो गए हैं। RJD हर वो दांव आजमा रही है जिसे नीतीश के साथ छोड़ने के बाद से सत्ता में वापसी की जा सके और तेजस्वी यादव के ताजपोशी का रास्ता साफ हो सके। अब देखना होगा कि महागठबंधन के दाव पेच काम करते हैं या नीतीश कुमार और NDA भारी पड़ता है। कांग्रेस ने विधायकों को क्यों भेजा है हैदराबाद? बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और यह लंबे समय से चर्चा रही है कि कांग्रेस विधायकों में टूट हो सकती है। जब जब बिहार में कोई सियासी गतिविधि बढ़ी है, चाहे सरकार समीकरण बदले या नई सुगबुगाहट की स्थिति हो, कांग्रेस के विधायकों को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। इस समय 16 विधायक हैदराबाद में हैं, 3 विधायक ऐसे हैं जो बाड़ेबंदी में नहीं गए हैं। इनमें अररिया से MLA अब्दुल रहमान, मनिहारी से मनोहर सिंह, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ का नाम शामिल है। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।